जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। जकरियाह अध्याय 11। हे लबानोन, आग को रास्ता दे कि वह आकर तेरे देवदारों को भस्म करने पाए। हे सनोबरो, हाय हाय करो, क्योंकि देवदार गिर गया है और बड़े से बड़े वृक्ष नाश हो गए हैं। हे बाशान के बांज वृक्षों, हाय हाय करो, क्योंकि अगम्य वन काटा गया है। चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि उनका विभव नाश हो गया है। जवान सिंहों का गर्जना सुनाई देता है, क्योंकि यर्दन के तीर का घना वन नाश किया गया है। मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी कि घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा, उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी अपने को दोषी नहीं जानते, और उनके बेचने वाले कहते हैं कि यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए हैं, और उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते। यहोवा की यह वाणी है कि मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया न करूंगा, वरन मैं मनुष्यों को एक दूसरे के हाथ में और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा, और वे इस देश को नाश करेंगे, और मैं इनके रहने वालों को उनके वंश से न छुड़ाऊंगा। सो मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा, और मैंने दो लाठियां ली, एक का नाम मैंने मनोहरता रखा और दूसरी का नाम बंधन। इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा, और मैंने उनके तीनों चरवाहों को एक महीने में नाश कर दिया, और मैं उनके कारण अधीर था और वे मुझसे घृणा करती थी। तब मैंने उनसे कहा, तुमको न चराऊंगा, तुम में से जो मरे वह मरे और जो नाश हो वह नाश हो, और जो बची रहे वे एक दूसरे का मांस खाए। और मैंने अपनी वह लाठी जिसका नाम मनोहरता था तोड़ डाली, कि जो वाचा मैंने सब अन्य जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ू, वह उसी दिन तोड़ी गई, और इससे दीन भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती रही उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, अर्थात यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उस 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया, और मैंने अपनी दूसरी लाठी जिसका नाम बंधन था इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाई भाई के से नाते को जो यहूदा और इसराइल के बीच में है तोड़ डालू। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तू मुड़ चरवाहे के हथियार ले ले, क्योंकि मैं इस देश में ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो न खोई हुई को ढूंढेगा, न तितर बितर को इकट्ठी करेगा, न तो घायल को चंगा करेगा, न जो भली चंगी है उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है, उसकी बाह और दहिनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बाह सूख जाएगी और उसकी दहिनी आंख बैठ जाएगी।